हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। दोस्तों अभी मैं वीडियो वगैरह शूट कर ली हूँ, अब जाती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करने और खाना पीना खाने जा रहे हैं। बाकी मेरी एक दोस्त आने वाली है। सबसे खास चीज़ कि यहाँ पे कबूतर अंडा दे दिया है, देख सकते हो कबूतर का ये अंडा एकदम गोल है। और बस अब चलते हैं जल्दी से, वीडियोस वगैरह जो भी काम है उसका हमने कर लिया, आज का बस इतना काफ़ी है। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप पहले इतने अच्छे से कोलैबोरेशन वीडियो वगैरह जो भी करते थे, रील्स डालते थे, ब्लॉग डालते थे, अब क्यों नहीं डालते हो। तो अभी खुद मन नहीं कर रहा है, पता नहीं मन ही क्यों नहीं कर रहा है करने का। अब ये मत बोलना कि आलस हो गया है या फिर जो भी कुछ है, ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हमने, लेकिन वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे तैसे हमने सोचा कि चलो शूट कर लेते हैं, तो चलते हैं। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। हे गाइस, अभी जो पीछे लड़की का आवाज़ आ रहा है ना, तकिया पे तकिया मेरे ऊपर फेंक रही है। कल रात में इतना तकिया से खेले, इतना मज़ा आया। इसको मूवी दिखा रहे थे और पता है सबसे खास बात पता है क्या, मैंने बोला कि ठीक है मैं सोई थी, मैं बोली कि कुंडी मार दो, एक कुंडी मार रही थी, इसमें दो कुंडी है हमारे दरवाजे पे, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो मैंने बोला कि लगा, तो बोलती कौन सा लगाऊँ। मैंने बोला नीचे वाली लगा दे, तो ये नीचे लगा दी। फिर बोली ऊपर क्यों नहीं बोली लगाने के लिए। फिर मैंने बोला कि अरे यार ऊपर इसलिए नहीं बोले कि तेरी हाइट छोटी है, तो इतना हंस रही थी। फिर अपना हाइट मतलब प्रूव करने के लिए दोबारा उठ के कुंडी मारी। तो वो है जो कि आप लोग को दिखा सकते हैं, हमारी ननद साहिबा, जो कि मेरे को अभी भाभी बोल रही थी। अभी आप लोग को दिखाते हैं। थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि इनका जो पोज है। फेस तो दिखा दी, इसमें अच्छा आएगा। और ये है आदिति, तो अभी फ़िलहाल इसको बुलाए, बोले कि थोड़ा आ जा यार मन नहीं लगा। ये हाथ पे क्या कर लिया है तुमने, हैं? ये पेन का, पेन तो देखो हाथ पे, ये पढ़ाई करने जाती है पेन से। तो अगर इसका शक्ल देखना है तो दिख जाएगा, आप लोग बने रहिए व्लॉग में। अभी हम अपने तरफ देख लो कैमरा किए हैं, इधर देख लो मुझे। तो अभी मार्केट चलते हैं, दिवाली की कुछ तैयारी करनी है। आज बहुत लेट से मैं इसका वेट कर रही थी और बोलती है ये कि तू घर पे रह के भी खाना नहीं खाती है यार, कैसी है तू, इसीलिए इतनी पतली है। और सच बताऊँ तो अब भी मैं खाना खाई बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और इतना लेट से खाना खाने ऐसा लग रहा है कि अरे यार करवा चौथ का आज तो मेरा व्रत ही हो गया। आदि आज मेरा करवा चौथ व्रत हो गया, शाम को खा रही हूँ मैं नमकीन। हाँ सुबह, लेकिन चाय नमकीन, हाँ जो सुबह वो खाते हैं ना आज। अरे मजाक कर रही हूँ, करवा चौथ आज थोड़ी है। वो तो गया। तो अभी हमने ये वाला ड्रेस पहन लिया क्योंकि अभी मुझे मार्केट जाना है। थोड़ी देर पहले हम नाइट ड्रेस पहने थे, उसके पहले हम दूसरा ड्रेस पहने थे, मतलब एक तो ये चेंज करते रहो। उसके बाद से अब चलते हैं कुछ कुछ शॉपिंग करने। मिस्टर राज बोले कि जाके इस दुकान से तुम लोग लेके आ जाना, तो मैं बोली कि यार, वो राशिद को बोले, लेकिन मैं बोली कि चलो यार मैं भी जाती हूँ, थोड़ा देख के लाऊँगी अपने अपने पसंद से कुछ अच्छा अच्छा चीज़, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एकदम अपने घर को अच्छे से हम लोग सजाएंगे, पहले तो साफ़ सफाई हो जाए। आज एक ये वाला जो रूम है एकदम अच्छे से बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा, इसका हर चीज़, ये हमेशा गंदा रहता है, हमेशा गंदा नहीं रहता, डेली साफ़ होता है, लेकिन आज इसमें से सारा सामान हटा दिए, पूरा एकदम अच्छे से साफ़ कर दिए। तो आदिति है यहाँ पे, इधर दिख तो दिख जा। कल क्या हुआ था जो तू मुझे मार रही थी, कल रात में जब सोने जा रहे थे हम लोग बात ही कर रहे थे ना, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, सच बताऊँ। मतलब मिस्टर राज बोलते हैं कि दोस्तों के साथ एक अलग ही मज़ा होता है, तो ये बात सच है, जो दोस्त के साथ मज़ा होता है ना अलग ही होता है, उसके साथ मस्ती। ये मेरे से पूछती है कल, इधर आ तो देख इसमें अच्छा दिखेगा, देख अच्छा इसमें देख अच्छा दिखेगा। मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, अभी इसको मार्केट लेके जा रहे, चल मार्केट चलते हैं। चलो बता, किया तो रख दे, कुछ कुछ बात बताना है। पता है जब कॉलेज में हम लोग मिले थे तो ये मेरे से बोल रही थी, पता है मनीषा हम दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी, तू मेरे से बात कैसे की। फिर मैं इसको इतना कॉलेज में डरा दी थी। मैं बोली थी कि, लेकिन उसके बाद मैं इसको इतना समझा रही थी कि देखो आदिति
यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो, एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ना, फिर मेरे को बोलते यार तू इतना बता रही है ये वो। मेरे को लगता है ये भी शायद मेरे को यही देख के मेरे से बात की होगी, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग थे, सबसे पहले क्लास में हम इससे ही ज़्यादा मतलब एक होता है ना ज़्यादा अटैचमेंट। तो अब क्या है ना कि हमारा जो क्लास है वो साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक कॉल किया इसको, मैंने बोला क्या दी थी आना है तो आना है, तो ये आने के लिए रेडी हो गई थी। इसको खूब सारा थैंक यू, है ना दी, देख ले। अरे वाह इसका बाल, अरे जब ये मेरे फर्स्ट बर्थडे में आई थी ना इसका बाल यहाँ तक था, है ना। मेरा सेकेंड बर्थडे में यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, फिर से कटवा लिए लग रहा है, कटाया है तुमने ना। तो अभी चलते हैं, मार्केट लेट हो जाएगा क्योंकि 6 बज रहा है, और मार्केट से आने के बाद देखते हैं खाना पीना, तो सोचेंगे क्या बनाना है। खाना बनाते हैं लेकिन अब उतना सोच समझ के नहीं बनाते, जो मन करता है वो बना देते हैं। तो ये भाभी आई हैं लड़िया लेने, क्या हुआ? अभी देख रहे अपने नए वाले घर के लिए लड़ी, समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन सा कलर। ये एक कलर ठीक है ब्लू, एक गोल्डन, और कोई कलर है जैसे सिंगल कलर रेड भी है, रेड भी ले लिया जाए क्या? अच्छा लगेगा। हाँ तीन तीन लेना पड़ेगा फिर, है ना। चार चार हो जाएगा, 12 बारह, हाँ चार चार हो जाएगा। ये कैसा ब्लैक, ये मल्टीकलर, ये वाला, ये वाला कितने फीट का है? 50 मीटर, 50 मीटर, 150, 400 ही कर दो। ये क्या है? ये है नीला। अच्छा 400 कर दो। वैसे कितने का हो पाएगा? एक कितने का है? ये 90 का, एक 90 का पड़ रहा है। सर जो लैंप आया है उसका बल्ब होगा क्या कुछ? तो हाँ पूछ ले, ऐसा एक लैंप क्या था भैया, ऐसा टाइप का था, हाँ तो मतलब उसमें का लाइट थी। ऐसा नहीं है वो, थोड़ा सा ना ऐसे स्टैंड वाला, हाँ बड़े वाला वो भी तो उसकी लाइट ही नहीं है, लाइट एलईडी का भी चलेगा उसमें, 9 वाट का सिंपल सीधी वाला। इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, जब उस टाइम आए थे हम लोग तो ये वाला झूमर नहीं था इनके पास, ये वाला ना, हाँ ये वाला होता तो यही से लिया, इसमें का है हम लोग के पास। हाँ अच्छी लाइट आ रही है। तो हमारे नए घर का सामान यहाँ से भी गया है बहुत सारा, और बराड़ा में हम लोग यहीं से अक्सर ज़्यादा सामान ले के जाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग चीज, और स्विच जब ले जाना था ना तो हम स्विच यहाँ पे पसंद करने आए हुए थे, ऐसा स्विच चाहिए वैसा स्विच चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था इस टाइप का। उस टाइम आशीष भी आया था शायद साथ में, बाकी ये सब लाइट वगैरह है इसमें से सोच रहे हैं कोई पसंद आ जाएगा तो और कहीं लगाने के लिए सही है, क्योंकि हमारा जो ड्रेसिंग है ना उसमें सोच रहे थोड़ा और लाइट लगाना, बट हैंगिंग लाइट अच्छा लगेगा इस टाइप का, लेकिन इसको लगाऊंगी कहाँ, ये उस तरह लगाने की नहीं है, ड्रेसिंग के लायक नहीं लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सही लग रहा है ये मैं सोच रही हूँ तीन ऐसे होता ना अलग अलग, तो तीन अलग अलग ऐसे लगा दूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हे गाइस तो अभी देख लिए यहाँ पे सब लाइट वगैरह जो भी है, सब लाइट को देख रहे हैं। अरे वाह इस साइड भी था, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये वाला आप लोग बताना कैसा लग रही है, थोड़ा अलग डिजाइन लग रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं अपने घर का जो लटकन होता है ना लरी, वो लेने के लिए आए हैं ताकि अपने नए वाले घर पर अच्छे से सजा पाए। मुझे तो स्टार वाला भी बहुत पसंद आया, अंबाला में हमने देखा था बट टाइम नहीं मिला कि हम लोग रोक के कर पाए। मिस्टर राज यहाँ पे बात कर लिए हैं, बोले कि जाके तुम लोग बस लेके आ जाना, तो हम भी आए, थोड़ा सोचे आप लोगों से भी शेयर कर दे, काफ़ी अच्छा लगेगा, जो लोग बराड़ा से होंगे वो ले सकते हैं। बाकी मुझे तो सच में यहाँ का हर चीज़ अच्छा लगता है। फिर आशीष यहाँ पे चेक करवा रहा है लाइट जो भी है, सब चेक कर करके हम लोग ले रहे हैं।
फिर कल सजा दिया जाएगा, ठीक है? तो आज ही देखा जाएगा, आज ही सजा दिया जाएगा। सबके घर में लाइट जल रहा है, बस हमारे घर को छोड़ के। तो बस चलते हैं हम लाइट लेके। रहने थे इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स को सारा शेयर कीजिएगा। जाते जाते हमारी इंस्टाग्राम आईडी है राजमनीषा सचिन, तो आप लोग फॉलो कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।